नमस्कार दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं कि बाइक कैसे चलाई जाती है। चलाना तो सबको आता है, लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि सबको ध्यान रखना होता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि बाइक कैसे चलाई जाती है। तो बाइक चलाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक हेलमेट की। हेलमेट आपको लगता होगा कि सिर पे बोझ है, लेकिन काफ़ी ज़रूरी होता है। जब एक्सीडेंट्स होते हैं, जब बाइक स्लिप हो जाती है, तब ये आपकी जान बचाने के लिए बहुत कारगर होता है। तो बाइक चलाने के लिए सबसे पहले इसके फ्यूल नॉब को चेक करिए। फ्यूल नॉब अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद बाइक पर बैठ जाइए। चाबी को ऑन करिए। चाबी को ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि इस पे फ्यूल लेवल सब कुछ चेक कर लीजिए। सर्विस इंडिकेटर तो ऑन नहीं है, और ख़ास तौर से जो साइड स्टैंड है उसको ऊपर करना ना भूले। यहाँ ये देखिए क्लच है, इस तरफ प्रेस एक्सेलेटर का बटन है, लीवर है। इसको आप ऐसे करेंगे तो आपकी बाइक की स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ये रियर ग्लासेस है, तो ये भी ज़रूरी होते हैं सुरक्षा के लिए। तो आपको बाइक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्लच को दबाइए, फिर ये लाल बटन है इसको दबाइए, जिससे कि बाइक स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ देखिए, इधर ये गियर लीवर्स होते हैं। आपके बाइक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो गियर से वो कहाँ आगे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं या पीछे की तरफ होते हैं। तो आपको अगर फर्स्ट गियर डालना है तो पाँव उठाइए, ऐसे पुश करिए, तो ये फर्स्ट गियर लग जाएगा। उसके पश्चात ये क्लच को धीरे धीरे छोड़िए, और साथ ही साथ अपने एक्सेलरेटर को बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे आप पेस को बढ़ाएंगे धीरे 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 धीरे, आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़िए, तो आपकी बाइक चलने लगेगी। यहाँ देखिए, आप स्पीडोमीटर पर ध्यान रखिए। जैसे ही बाइक 20 की स्पीड पे चले, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स बने हुए, तो ये आपके गियर को इंडिकेट करते हैं। जैसे ये बाइक है तो इसमें 5 नंबर्स ऑफ गियर हैं, 5 गियर वाली बाइक है। जैसे आपकी स्पीड 20 पे पहुँचती है, तो फर्स्ट फर्स्ट के बाद सेकंड गियर डालिए, जो 40 की स्पीड तक इसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद आप थर्ड गियर को डालिए, फोर्थ को और फिफ्थ को। हालांकि हम फिफ्थ गियर को 60 और 80 के बीच में आराम से चला सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप बाइक चला सकते हैं। यहाँ देखिए, ये साइड इंडिकेटर्स के स्विच हैं। अगर आपको लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट वाला दबाइए, और राइट मुड़ना है तो राइट वाला कर दीजिए। ये बटन दबाते ही आपके यहाँ पे जो लाइट है इंडिकेटर की, वो ब्लिंक होने लगेगी। ये डीपर लाइट है। आप अगर रात में अगर वो पास की रोशनी चाहिए तो इसको तो छोड़ दीजिए, अगर दूर की चाहिए तो इसको पुश कर दीजिए। और ये बाईपास स्विच होता है, अगर आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप इसको ब्लिंक करें, ताकि सामने वाले को पता चले कि आपको साइड चाहिए। ये चौक लीवर होता है, ये ज़रूरत का पड़ती है जब विंटर्स के दिनों में, सर्दी के दिनों में, जब सुबह सुबह बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तो फ्यूल सप्लाई बढ़ाने के लिए इसको खींचा जाता है। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि इसको वापस जब बाइक स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा सा चलाने के बाद इसको आप ऑफ कर दीजिए। ये थी कुछ जानकारियाँ बाइक के लिए। थैंक यू।